0:33 0:35 6:14 6:25। देखिए बेटा समझ के देखिए अच्छे से क्या बोल रहे हैं अपन, याद करने का यही तरीका है। 0:33 0:35 6:14 6:25 0:33 0:35 6:14 6:25 ठीक है। ये हमारे मंथली कोड है। क्या है बेटा? मंथली कोड। कैसे? अगर आपको कोई बोले कि यार ये बना सॉल्व बनाना है हमको शॉर्टकट में, तो जनवरी का कोड क्या होगा? 0। जनवरी फरवरी का 3। आपको ऐसे ही चलना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मतलब यदि कोई पूछे दिसंबर महीने का क्या कोड है, क्या बोलेंगे? 5। जनवरी का क्या है? 6। लेकिन कोई लीप वर्ष है तो इसको क्या कर देना, 0 को जो है 6 कर देना और इसको कर देना 2। मतलब यदि लीप ईयर है तो लीप ईयर के लिए जनवरी का कोड होगा 6, फरवरी का होगा 2, बाकी पूरा का पूरा जीवन बदल रहेगा। मतलब 0:33 0:35 6:14 6:25 आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एक समझना अच्छे से एक सिंपल लेके चलते हैं। देखिए अगर मैं 2018 को बेस बना लूं, बेस, अब 2018 का कोई भी दिन पूछे आपको कि 5 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, तो कुछ नहीं करना है बेटा, 5 को लिखना है, जनवरी का कोड क्या है? 0 है, और 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करना नहीं है, तो हमारे पास दिन कितना हो गया? 5। क्या हो गया? 8 डे, और 8 डे है 5, मतलब ऑटोमेटिक उस दिन शुक्रवार हो जाएगा। गेटिंग और नॉट? फिर से देखते हैं, यदि आपको कोई पूछे 17 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा, तो 17 का 17 हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड कितना हो गया बेटा? 3, तो 17 और 3 कितना हो गया? 20, तो 7 एकम 7 7 2 14 बचेगा कितना बेटा? 6 6, मतलब शनिवार। मैं पहले बता चुका हूँ पहले वीडियो में कि 1 बज रहा है मतलब सोमवार, 2 बज रहा है मतलब मंगलवार, और 6 बज रहा है मतलब शनिवार, और 7 बज रहा है मतलब रविवार। तो अभी क्या देख रहे हैं बेटा? अपना ऑड डे विषम कितना बज रहा है? 6, और 6 मतलब क्या होगा? ऑटोमेटिक शनिवार। कौन सा दिन की बात कर रहे हैं? 2018 एग्जाम में पूछे तो आप ऑटोमेटिक कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, आप 0:33 0:35 6:14 6:25 को याद रखेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे जोड़ के, ठीक है। अगर इसी में वो बोल दिया 2017 में क्या होगा और 2019 में क्या होगा, इसका मतलब क्या करना है? 18 को ही बेस रखिए, लेकिन यदि 17 को पूछ रहा है तो कुछ मत कीजिएगा, -1 कर देना। क्या करना बेटा? -1। और यदि 19 को पूछ रहा है तो +1। जैसे वो पूछा 5 जनवरी 2017 को क्या होगा, तो 5 का 5, जनवरी का 0, मतलब होना क्या चाहिए था हमारे लिए? शुक्रवार। लेकिन यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुरुवार। अगर 19 पूछे तो +1 करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? वो शनिवार। इतना क्लियर है? एक बेस है। मान एग्जाम में देखा कई बार प्रश्न नहीं आता है, समझ के देखिए एग्जाम में देखिए क्या होता है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था और 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो अगर 47 का साल पूछे तो -2 कर +2 कर दो, और 50 का पूछे तो -1। ये आपको याद रखना है। मैं फिर से कह रहा हूं ये कोड सिर्फ 2018 17 19 और जिसके लिए काम आएगा बोलेंगे तो 47 के लिए 50 के लिए। कैसे? 15 तो 15 अगस्त क्या है बेटा? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त कितना है? 2, तो 2 जोड़ दिए इसमें, तो भैया 7 से डिवाइड करोगे 7 2 14 1, बचा कितना? 3, और 3 और +2 कितना बचा? 5, तो 5 क्या करेंगे बेटा? शुक्रवार। अगर 26 से करोगे तो 26 जनवरी 26 जनवरी का कोड क्या होगा? 0 डिवाइड 7, 7 एकम 7 7 2 14 7 21, बचेगा कितना? 5, 5 में माइनस क्या कर दो? 1, तो बचेगा कितना? तो ये हो जाएगा बेटा गुरुवार। 4 मतलब गुरुवार, और इसका मतलब 5 मतलब शुक्रवार। इसका मतलब आपको कोई पूछे कि हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त को तो कौन सा दिन था? शुक्रवार को, और हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को तो वो दिन था गुरुवार, ठीक है।